हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके, मतलब कि एडीबी के बारे में। तो देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम कंटेक्स्ट की तरफ और न्यूज की तरफ वो चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो बेसिकली स्टार्टिंग में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब इतनी पूंजी के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। और अहम बात इसके अंदर ये थी कि देखो, इसमें एशियन कंट्रीज हैं, उसके साथ साथ पैसिफिक कंट्रीज भी शामिल हैं, अदर कंट्रीज हैं, आप बोलते हो यूरोप की भी कुछ कंट्रीज इसमें शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो बेसिकली वर्ल्ड बैंक है, उसकी तर्ज पे ही बनाया गया था। अब देखो, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम थोड़ा इफेक्ट जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, सभी कंट्रीज को लोन है वो प्रोवाइड करवाता है, बट बेसिकली उसका थोड़ा जो रुझान है या अट्रैक्शन है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा होता है। तो इसीलिए एशियन कंट्रीज हैं बेसिकली, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि यार हम भी, हमारे लिए एक बैंक बने, और वो बनाया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक। बस अहम बात इसकी यही है कि इसमें ओनली एशियन कंट्रीज मेंबर नहीं है, वर्ल्ड की बाकी अदर कंट्रीज भी इसके मेंबर है वो है। अब देखो, बात रही इसके हेडक्वार्टर की, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, अहम बात क्या है, चलते हैं हम कंटेक्स्ट की तरफ। कंटेक्स्ट ये है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया को 150 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देने की बात होगी, मतलब लोन एक तरीके से दिए हैं। किस लिए? क्योंकि इंडिया में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर है, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे देश का, उस वाले एरिया में उसको डेवलप करने के लिए। अब देखो, हम दो चार चीजें जानते हैं यहाँ पे, उन फैक्ट्स को हम पहले क्लियर करते हैं, तब हमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ पे देखते हैं साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यह बेसिकली एक ग्रुप है और इसे 2004 में बनाया गया था। स्टार्टिंग में 4 कंट्रीज ने साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जो सभी आपस में अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। इन चारों कंट्रीज ने ये ग्रुप इसलिए बनाया ताकि भाई आपस के अंदर हम कनेक्टिविटी अच्छी कर सकें, तो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें हैं वो काफी अच्छे से इम्प्रूव हो सकें, और जिससे हमारी इकोनॉमी एक दूसरे कंट्रीज की वो मतलब आगे बढ़ सकें। तो बेसिकली हम बात करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, जिन 4 कंट्रीज के द्वारा साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप है वो बनाया गया था। अब हुआ क्या, फिर धीरे धीरे इसमें 2 कंट्रीज और शामिल हो गए। कौन कौन सी? एक तो इसके अंदर शामिल हो गया यहाँ पे म्यांमार, और एक होगा इसमें मालदीव, और एक इसमें बाद में हो गया श्रीलंका भी शामिल इसमें ऐड है वो कर दिया गया। तो अभी रिसेंटली बात करें तो इसके मेंबर कंट्रीज है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। तो अभी बेसिकली इसके 7 कंट्रीज हैं वो मेंबर है, तो हमें इनका नाम ध्यान में रखना है। अब यूपीएससी की बार क्या पूछ लेती है कि इनमें से कौन सा मेंबर है, मतलब कौन सी कंट्रीज हैं वो सार्क के मेंबर भी हैं और कौन सी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर है, तो हमें ऐसे पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज है वो, क्योंकि देखो जिन ग्रुप में इंडिया है उनके बारे में तो हमें स्पेशली पता होना चाहिए, और वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। आज जैसे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए हैं, आसियान वगैरह ऐसे, उनके बारे में तो हमारा स्पेशली फोकस है वो होना चाहिए। तो देखो, ये साउथ एशिया वाला जो एरिया होगा इसमें कनेक्टिविटी के लिए बेसिकली बनाया गया है ये ग्रुप, ताकि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव है वो किया जा सके। अब अगर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली रोड वगैरह में कुछ ना कुछ बनानी होगी, और अगर रोड वगैरह बनानी है तो पैसा चाहिए, और वो पैसा अभी रिसेंटली कंट्रीज हैं वो आपस में शेयर कर रही हैं, और इसी के साथ अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पैसा है वो दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया सब रीजनल जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें रोड कनेक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया गया था 2014 में। ये ग्रुप था, देखो ध्यान से ध्यान रखना है यहाँ पे, जो एक ग्रुप था साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बेसिकली बना था 2001 में, बट इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, वो बनाया गया था 2014 में, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से ही बनाया गया था। इसमें थोड़ा टारगेट ये रखा गया था कि भाई एक तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है हमारे देश में उसके अंदर कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, क्योंकि देखो अगर हमें साउथ एशिया कंट्रीज के साथ रिलेशन इंप्रूव करने हैं तो हम जानते हैं कि साउथ एशिया के साथ हमारे रिलेशन तभी इंप्रूव हो सकते हैं जब हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी बनाए, और नॉर्थ ईस्ट के थ्रू म्यांमार हुआ और बाकी अदर कंट्रीज के साथ हमारे बॉन्डिंग है वो अच्छी कर सकें। तो अहम बात क्या है कि वेस्ट बंगाल के साथ साथ हमें नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर कनेक्टिविटी बनानी होगी, वहाँ पे रोड वगैरह बनानी होगी, रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना होगा, जिसकी वजह से ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स सब डिपार्टमेंट्स जैसी सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव होगी, और इसीलिए 500 किलोमीटर की रोड वगैरह बनाने का फैसला वो किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि SASEC साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो प्रोग्राम था 2001 में बनाया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बेसिकली ये बनाया गया था, मेन मोटो इसका यही था। बाद में श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार भी इसमें शामिल है
हो गया था। अब देखो इसमें क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी कैसे हो गया, जैसे बांग्लादेश के साथ इंडिया कनेक्टिविटी कर रहा है, भूटान के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, नेपाल के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ, तो इस तरीके से। एक अहम बात इसमें ये ध्यान रखना है, इम्फाल मोहरे जो सेक्शन है जो कि मणिपुर वाले एरिया के अंदर है रोड कनेक्टिविटी के लिए, इसको भी अभी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इम्प्रूव है वो किया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली बात ऐसी है कि देखो मणिपुर का जो एरिया है, हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की अंदर, तो काफी डिफिकल्ट एरिया है वहाँ पे, और वहाँ पे कनेक्टिविटी मतलब बहुत मुश्किल है, और इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि वो वहाँ पे जैसे तैसे भी इन्वेस्टमेंट करके कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि हम साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे लिंक हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और कनेक्टिविटी देखो अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली ट्रेड वगैरह जैसा इम्प्रूव है वो होता रहेगा। तो इस तरीके से इससे के साथ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो पैसा दे रहा है उसके हेल्प से इंडिया और नेपाल के बीच में ब्रिज वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स वगैरह थे, हमने इनको अच्छे से डिस्कस है वो किया। अब चलो आप ये बताइए कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने इसके बारे में काफी बार डिस्कस किया इन दोनों ही बैंकों के बारे में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और एक और है वैसे तो AIIB। तो आपको आज इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। बाकी हम फिर से अलग से एक वीडियो में इनको एक बार अलग से डिस्कस है वो कर लेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है OALP यानी कि ओपन इंक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के बारे में। अब देखो इसे अगर हम समझना चाहते हैं तो हम पहले थोड़ा कंटेक्स्ट को देख लेते हैं और फिर हम इन चीजों को बैकग्राउंड के साथ डिस्कस वो करते हैं। कंटेक्स्ट अभी ये है कि गवर्नमेंट की जो ओपन एंकर्ड लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसके तहत गवर्नमेंट ने अभी बिड वगैरह एक तरीके से नीलामी वगैरह वो स्टार्ट है वो की है गैस ब्लॉक वगैरह की, तो वो तो हो गया कंटेक्स्ट, तो हमें कुछ खास रखने की जरूरत इसमें है नहीं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। देखो जैसे कोई भी ये मान लो कि गैस का ब्लॉक है, जैसे कि गैस की खान होती है उसको बेसिकली ब्लॉक के नाम से जानते हैं, तो ये मान लो कि यहाँ पे कोई भी एरिया है और यहाँ पे गैस का ब्लॉक है इंडिया की टेरिटरी के मतलब इंडिया की एरिया के अंदर। अब अगर इस एरिया के अंदर गैस काफी मात्रा में, और देखो पहले क्या होता था कि अगर इस वाले एरिया में इस ब्लॉक में गैस है या कुछ भी मतलब चीज है तो उसको नीलामी करनी है, तो गवर्नमेंट पहले खुद ही नोटिफिकेशन निकालती थी कि हाँ भाई अब हम इसके नीलामी करवाना चाह रहे हैं, जिस जिसको भी हिस्सेदारी लेनी है आइए और इसमें हिस्सेदारी लेके अब मतलब नीलामी लगाएंगे और जो अच्छी रेट लगाएगा उसको ये मिल जाएगा। मतलब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट खुद नीलामी स्टार्ट करती थी कि हाँ भाई ठीक है अब हम नीलामी इसकी स्टार्ट करवाएंगे, तो जिन जिन को भी नीलामी भाग लेना है वो आ जाओ। तो इसमें क्या है कि देखो ट्रांसपेरेंसी का भाव ये रहता था कि गवर्नमेंट, कुछ लोगों का आरोप लगाया मतलब ऐसे केसेस वगैरह सामने ही कि भाई गवर्नमेंट है वो अपने चहेते होते हैं, जब उनके पास पैसा होता है उनके पास जब मौका होता है उसी मौके के मुताबिक गवर्नमेंट नीलामी वगैरह लगा रही है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ओपन एंकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके इसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई जैसे मान लो कि ब्लॉक है ये कि इस वाले ब्लॉक में गैस वगैरह कुछ भी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड कर देगी, मतलब पब्लिक के सामने ला देगी कि भाई ये ब्लॉक है इसमें गैस वगैरह ठीक है। उसके बाद में क्या होंगे, जो भी कंपनीज है ना वो आएंगे चल के गवर्नमेंट के पास कि हाँ देखो भाई आप इसकी नीलामी है वो स्टार्ट करवाइए हम इसे लेना चाहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि जिन जिन कंपनीज को भी लेना है वो अपने आप आएंगी, हाँ भाई ठीक है गवर्नमेंट के पास ये ब्लॉक है इसको हम उचित रेट पे खरीदते हैं, तो इसे कहीं एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। और इसको बोला गया है ओपन इंक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब कंपनीज खुद आके गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आप इस ब्लॉक की नीलामी है वो स्टार्ट करवाइए हमें इसमें खरीदना वगैरह जो भी है। तो ये तो होगी ओपन इंक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब हम देखते हैं हेल्प क्या है। हेल्प का मतलब है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोजन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। देखो हाइड्रोकार्बन जो भी अर्थ के अंदर फॉसिल फ्यूल वगैरह पाए जाते हैं, इनको अगर हमें एक्सप्लोर करना है बाहर निकालना है से, तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना होता है। और अभी जो नई पॉलिसी है इसके लिए हाइड्रोकार्बन को बाहर निकालने के लिए वो है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो अभी कंटेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो हेल्प है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसके तहत अभी गैस का एक नया ब्लॉक था इसकी ओपन इंक्रीज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत नीलामी है वो की है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, देखो गवर्नमेंट को अगर कहीं भी जैसे रिसर्च वगैरह करती रहती है और उसको कोई भी गैस का ब्लॉक मिल रहा है, तेल की खान वगैरह कुछ भी मिल रही है, तो उसको क्या करेगी नेशनल डाटा रिपोजिटरी NDR है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी फिर सारा डाटा इंटरनेट पे प्रोवाइड करवा दिया है, तो जिस भी कंपनी को जरूरत है वो वहां से आके गवर्नमेंट को बोले कि हाँ भाई आप इसकी नीलामी रखवाइए वगैरह, फिर आगे की प्रोसीजर है वो चलती है। अब देखो जो हेल्प थी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे चेंजेस कुछ इस प्रकार की हैं कि ये पहले तो देखो ये होता था कि ये मान लो कि कोई भी एरिया है, ये मान लो कि दलो दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली का ये एरिया है, इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट को पहले मिली है गैस,
एक सेकेंड, यहाँ पे गवर्नमेंट को पहले गैस मिल गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गैस का किसी मान लो कि ए कंपनी को लाइसेंस वो दे दिया कि आप यहाँ पे गैस को निकालिए, फिर यहाँ पे पता चला कि हाँ तेल भी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तेल के लिए किसी दूसरी कंपनी है बी को लाइसेंस है वो यहाँ पे दे दिया, ऐसे ही ये पता चला कि कोई और चीजें यहाँ पे निकली हैं और उसके लिए सी कंपनी को लाइसेंस अब दे दिया। अब देखो आपको पता है कि एरिया सारा एक ही है और उसके अंदर क्या आपस में खिंचतानी नहीं रहेगी, ये कंपनी बोलेगी नहीं यहाँ पे मैं करूंगी, वो बोलेगी मैं करूंगी, तो इनमें आपस में लड़ाई होती रहेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि हाँ भाई ठीक है इस वाले एरिया के अंदर कोई भी मटेरियल कुछ भी मिलो अगर वो जिस कंपनी को लाइसेंस मिल गया है एक बार वो उसी के पास रहेगा, ऐसा नहीं है कि बार बार अलग अलग, इस वाले एरिया के अंदर अगर एक कंपनी को लाइसेंस मिला है तो फिर यहाँ पे से पानी मिले चाहे कुछ भी मिले वो सारा कम जिम्मेदारी वो एक कंपनी की रहेगी, ताकि लड़ाई वगैरह नहीं हो और आराम से काम है वो हो सके। इसी के साथ इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को यूज है वो क्या गया है, देखो पहले ये होता था गवर्नमेंट क्या कहती थी कि भाई ठीक है पहले तो आप अपना खर्चा निकालिए, कंपनी को कहती थी कि ठीक है भैया आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो पहले आप अपना खर्चा निकालिए उसके बाद आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के आधार पर आप हमें हिस्सा है वो दीजिए, बट इसके होता क्या था कंपनी हमेशा दिखाती रहती कि भाई वो घाटे में है और उनका मतलब उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट को कभी पैसा देती ही नहीं थी, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भैया ऐसे बात नहीं बनने वाली है, आपको जो पैसा मिले या नहीं मिले प्रॉफिट हो या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिवेन्यू से मतलब है, मतलब आपने एक दिन के अंदर ये मान लो कि अगर 100 किलो ऑयल निकाला है तो उसका जितना भी हिस्सा बनता है जितना भी एग्रीमेंट है उनके मुताबिक है वो हमें चाहिए, चाहे आप घाटे में जाओ चाहे आप कितने प्रॉफिट में जाओ, मतलब फिक्स हो गया कि जितना भी है उसके आधार पे हमें पैसा मिलना चाहिए, जो भी रिवेन्यू हो रहा है उसके ऊपर शेयर हमें करना है ना कि प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट हो या नहीं हो हमें नहीं मतलब, बट रिवेन्यू जितना भी हो रहा है उसको हमें शेयर है वो करना होगा। तो इस तरीके की नई पॉलिसी है वो लेके आई गई है, तो इनके बारे में हमने थोड़ा देख लिया कि क्या क्या है हेल्प, और बेसिकली जो पुरानी पॉलिसी थी हेल्प की जगह वो थी नेल्प, न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी थी वो, बट बाद में नहीं है वो हेल्प आई है, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना कि हेल्प वगैरह क्या है और ओएलपी के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वर्ल्ड हैबिटेट डे को लेके। देखो वर्ल्ड हैबिटेट डे वैसे तो बेसिकली 1985 से इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया था और 1986 से इसको हर साल मनाया वो जाता है, बट अभी कंटेक्स्ट यह है कि यूनाइटेड नेशन ने अभी डिसाइड किया है कि भाई अक्टूबर का जो पहला मंडे होगा हर साल उस मंडे को बेसिकली वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो मनाया जाएगा। इस बार की थीम है 2018 की वो ये है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखो आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है और उसी तर्ज पे इस बार यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि यार इतने ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सफाई काफी बड़ी समस्या बनी हुई है तो क्यों ना जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट उसको मैनेज किया जाए इसके लिए, और इसी के लिए हम बात यहाँ पे उन्होंने थीम है वो रखी है। अब देखो जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है इसका मेन मतलब साफ साफ ये है कि जो भी आवास है उसको साफ रखना है, इसके लिए हमें स्टेप वगैरह उठाने हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। हैबिटेट का मतलब होगा कि जहाँ पे रह रहे हैं हमारा आवास है उस वाले एरिया में, तो एक तरीके से हम बात करें तो हमारे देश के शहर और जो भी कस्बे हैं उनकी स्थिति, इसके साथ जो रहने की जगह है मूल अधिकार है उनके ऊपर बेसिकली फोकस करती है, मतलब रहने के एरिया की भी हाँ ये एरिया साफ वगैरह होना चाहिए, हैबिटेट वगैरह कैसा हो, इन सब के लिए बेसिकली वर्ल्ड हैबिटेट डे वो काम है वो करता है। तो एक छोटा सा न्यूज कंटेक्स्ट था वो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एवियंद्रा एक्साइज 2018 के बारे में। देखो एवियंद्रा 2018 एक्साइज है वो बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में है, वो होस्ट की गई है और इस बार रशिया ने इसको होस्ट है वो किया है और एयरफोर्स की एक्साइज है, तो ये दोनों इफेक्ट हमें ध्यान में रखने कि एवियंद्रा एक्साइज है वो इंडिया और रशिया की है और एयरफोर्स की एक्साइज है, तो दोनों इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कर्नाटका गुड सेमेरिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल बिल 2016। अब है क्या ये देखते हैं हम सेमेरिटन वगैरह के बारे में। देखो अभी कर्नाटका के द्वारा कर्नाटक की जो असेंबली है वो 2016 में एक बिल लेके आई थी जिसका नाम था कर्नाटका गुड सेमेरिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल बिल 2016, और अभी उसको एक्चुअली क्या कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के लिए एक तरीके से रखा गया था, तो अभी अनुमति है वो दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, वो कंटेक्स्ट यहाँ पे आया है। अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो समेरिटन होते क्या है। देखो समेरिटन का मतलब ये होता है कि हेल्पफुल पर्सन जो कि भलाई करता हो, जैसे देखो बात यहाँ पे करें कि जब भी रोड एक्सीडेंट होता है ना तो लोग देख लेते हैं कि हाँ भी रोड एक्सीडेंट हो गया, बट फिर भी नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि यार अगर हमने हेल्प की तो उल्टा पुलिस हम पे इल्जाम लगेगी कि अच्छा आपने ये वो, तो लोग कहें इस चक्कर में हेल्प वो नहीं करते हैं, और कई बार क्या होता है इसी चक्कर में जो भी पीड़ित होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मर जाता है।
तो इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं, इनकी जो लोग भलाई करते हैं ऐसे लोगों के एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद, उनको कहा जाता है समेटन। तो देखो वो क्या था, मतलब पहले के जो भी कानून वगैरह हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो भी समेटन है, जो लोग भलाई करने वाले थे उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कानून वगैरह नहीं बना रखा था। तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो ऐसे समेटन या जो ऐसे अच्छे लोग होते हैं इनकी भलाई के लिए कानून है वो बनाया कि भाई इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इनको नुकसान हो सके, इनकी प्रोटेक्शन ना हो और उल्टा पुलिस इन्हीं पे कार्रवाई करे, इनको बार बार परेशान करे, ऐसे ऐसे इश्यूज वगैरह ना हो सके। देखो जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट तुरंत होने के बाद जो का जो टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है, उसके अंदर अगर ट्रीटमेंट हो जाता है सही ढंग से तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसी दौरान अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो जो भी पेशेंट या रोगी हो आप बोल सकते हो उसकी जान बचाई जा सकती है, अदरवाइज कई बार काफ़ी बार ऐसा होता है कि जान वगैरह भी चली जाती है। तो जो पहला 1 घंटा होता है एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसको बोलते हैं बेसिकली गोल्डन आवर, मतलब कि उस घंटे में हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह मिलना काफ़ी जरूरी हो जाता है, वो गोल्डन टाइम होता है। अगर उसमें ट्रीटमेंट मिल गया तो पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी जो कर्नाटका गवर्नमेंट बिल लेके आई है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भाई वो समेटन लोग जिन्होंने ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद लोगों की हेल्प करते हैं उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, इसके साथ ही उनको मेडिकल रिलीफ भी दी जाएगी और पुलिस हरासमेंट से भी उनको बचाया जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने यह प्रावधान कर दिया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी पर्सन अगर एक्सीडेंट हुए पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाता है तो पुलिस है उस पर्सन को बार बार परेशान नहीं करेगी, बस उसी टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाएंगी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि बार बार पुलिस को बुला रही है कि भाई आपने ऐसा किया है, आप हो सकता है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं समेरिटन जो हेल्प करते हैं उनकी यहाँ पे हरासमेंट है वो बचेगी। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया। इसी के साथ थोड़ा डाटा भी दिया गया था आर्टिकल में कि 2016 की बात करें तो हमारे देश में लगभग 4,80,652 एक्सीडेंट है वो हुए थे, और उनमें से हम बात करें तो लगभग 1,50,785 लोग हैं वो तो मारे गए थे एक्सीडेंट के दौरान ही, मतलब गोल्डन ओवर के टाइम भी इन लोगों का ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया था, इसकी वजह से इनकी जाने वो चली गई थी। और इसीलिए फोकस कर रही है गवर्नमेंट की भाई जो समेटन वाले लोग हैं, जो अच्छे भलाई वाले लोग हैं, इनको बचाया जा सके, इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने ये बिल है वो लेके आई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको हम एक बार यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है अपॉर्चुनिटी रोवर को लेके। देखो रोवर होता क्या है, रोवर बेसिकली जब भी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह कोई स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, जैसे कि मान लो कि इंडिया ने कोई है स्पेस क्राफ्ट है या कोई ऐसा मतलब मिशन भेजा है जो कि चंद्रमा पे जा रहा है, तो चंद्रमा पे देखो जैसे देखते हैं ना कि बाकी छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें 5-6 पहिए होते हैं और वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो गाड़ी होती है एक तरीके से, उसको हम रोवर है वो बोलते हैं, जो कि इधर उधर मूव करके वहाँ के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करती है और फिर जो डाटा है वो यहाँ पे अर्थ पे भेजे जाते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी ये नाम का जो रोवर है वो बेसिकली मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर 3 के नाम से भी जाना जाता है, और यह बेसिकली 2003-04 के टाइम पे नासा के द्वारा लॉन्च है वो किया गया था। तो अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि जो अपॉर्चुनिटी रोवर है ना इसके अभी सिग्नल्स वगैरह हैं वो कुछ डाटा है वो देखने को मिला है। तो बेसिकली यूपीएससी अपॉर्चुनिटी रोवर पूछ सकती है कि किसका है, तो बेसिकली है मार्स जो मंगल ग्रह है उसकी स्टडी के लिए लॉन्च है वो किया गया था 2003-04 के टाइम पे नासा के द्वारा, और इसने स्टार्टिंग में काफी अच्छा काम है वो किया था, और इसे MER मतलब मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर 1 के नाम से भी जाना है वो जाता है। तो इसके 2-3 नाम से तो थोड़े हमें ध्यान में रखने। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वयोश्रेष्ठा सम्मान 2018। देखो वयोश्रेष्ठा सम्मान 2018 है यह बेसिकली नेशनल अवार्ड है हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो भी इंस्टीट्यूट होती हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है उनको बेसिकली ये अवार्ड है वो दिया जाता है ओल्ड लोग पीपल्स के लिए। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि वयोश्रेष्ठा सम्मान है वो क्या है, किस लिए दिए जाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ऐसे फैक्ट्स वगैरह हमें ध्यान में रखने। अब चलो आप एक क्वेश्चन बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 है वो किसके द्वारा रिलीज है वो क्या गया था। एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 किसने लॉन्च किया। पहला स्टेट ऑप्शन आपके सामने UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन आपके सामने याले एल कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मतलब कि GEF, और चौथा ऑप्शन आपके सामने नन ऑफ दी। तो आपको इनमें से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई किसके द्वारा बेसिकली ये इंडेक्स है वो रिलीज है वो किया जाता है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।